पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक नया स्कैंडल, मुफादात का टकराव। खिलाड़ियों की तनख्वाहों में 202% इजाफा क्यों हुआ? चीफ सिलेक्टर समेत कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं? सारी कहानी खुलकर सामने आ गई। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक खिलाड़ियों के एजेंट तलहा रहमानी की मिल्कियत वाली कंपनी येजो इंटरनेशनल लिमिटेड में शेयर होल्डर हैं। मोहम्मद रिजवान भी मालिकान की फहरिस्त में शामिल हैं। दस्तावेज के मुताबिक कंपनी का बरतानवी रजिस्ट्रेशन नंबर 1306 से शुरू होता है। इसमें तीनों मालिकान का यक्सा एड्रेस कोलचेस्टर इंग्लैंड का लिखा है। कंपनी में तीनों के शेयर्स 25% से ज्यादा हैं। हुआ कुछ यूं कि पीसीबी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर खिलाड़ियों के दरमियान अहम इख्तलाफात सामने आए। खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के दौरान तजारती सरगर्मियों का बॉयकॉट करने का फैसला किया, तो उस वक्त इंजमामुल हक ने मसला हल करके खिलाड़ियों के तमाम मुतालबात पूरे करवाए, जिनमें पहली बार आईसीसी की आमदनी में हिस्सा और तनख्वाहों में खातिरख्वाह इजाफा किया गया। इस फैसले में कैटेगरी ए के खिलाड़ियों बशमूल बाबर आजम, रिजवान और शाहीन आफरीदी के मुआवजों में 202% का नुमाया इजाफा किया गया। यहां गौरतलब बात यह है कि बाबर आजम, रिजवान और शाहीन आफरीदी के मामलात भी याजू कंपनी के तलहा रहमानी देखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।